हेलो एवरीवन, दिस साइड आकाश शिर्के। आज का टॉपिक है आर्डिनो। अब ये हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक इंजीनियर्स को पता होगा कि आर्डिनो है क्या। हम सभी लोग यूज़ करते हर एक प्रोजेक्ट्स में, बट इसके पीछे जो हिस्ट्री है, ये वर्ड आया कहाँ से, कभी आया, कैसे पड़ा इसका नाम, ये हमें किसी को नहीं पता। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊँगा द हिस्ट्री ऑफ आर्डिनो, ठीक है। तो आर्डिनो ये वर्ड आया कहाँ से, कौन से कंट्री से आया है, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊँगा कि ये एक इंसान का ही नाम है, बट कौन से कंट्री से आया है। तो इसका आंसर है, ये वर्ड आया है इटली से। तो इसके पीछे एक स्टोरी है, तो सबसे पहले हम ये स्टोरी जानेंगे, ठीक है। तो इटली में 4 इंजीनियर्स थे, ओके। उनके प्रोफेसर ने क्या बोला था उनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में, कि आप लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, और उसको इतना चीप बना कि सब लोग परचेस करके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो 4 इंजीनियर्स ने फाइनली बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, फाइनली वो प्रोजेक्ट बना दिया। बट उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखने का उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने नाम कैसे रखा, एक्चुअली वो एक रेस्टोरेंट में जाते थे। उस रेस्टोरेंट एक एक्चुअली बार था, उस बार का नाम क्या था, इवरा आर्डिनो था, ओके। और वहाँ पे एक किंग थे, 1002 टू 1014 तक एक किंग थे, वहाँ पे राजा थे, उनका भी नाम क्या था, आर्डिनो था। तो उस बेसिस के ऊपर ये बोर्ड का नाम क्या रखा गया, आर्डिनो। मैं अभी फाइनली आपको अभी स्क्रीन के ऊपर बताऊँगा द फर्स्ट वर्जन ऑफ आर्डिनो, ये कुछ इस तरह था, ये अपना फर्स्ट वर्जन है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। बट वैसे तो बहुत से टाइप्स ऑफ आर्डिनो अभी आ गए हैं, एग्जांपल आर्डिनो मेगा, आर्डिनो ओनो, आर्डिनो मिनी, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो लियोनार्डो, बहुत से आर्डिनो हैं। तो फिलहाल तो अभी हम आर्डिनो ओनो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये आर्डिनो कभी स्टार्ट हुआ इम्प्लीमेंट होना, ये 2005 में स्टार्ट हुआ इम्प्लीमेंट होना, ठीक है। 2005 में इसका इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ। तो अभी पर्टिकुलर में एक आर्डिनो आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं अभी बताऊँगा आपको आर्डिनो ओनो के बारे में। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आर्डिनो ओनो को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आर्डिनो ओनो है। इस आर्डिनो ओनो में जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है, वो बटन है रीसेट बटन। मीन्स अगर हमने कोड अपलोड किया और इस कोड को हमें डिलीट करना है, तो हम रीसेट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते इजीली। उसके नीचे एक स्लॉट दिख रहा है आपको, इस स्लॉट के थ्रू हम कोड अपलोड कर सकते इस बोर्ड के अंदर, ओके। और उसके जस्ट नीचे और एक स्लॉट दिख रहा है, वो है पावर पोर्ट। मीन्स हम एडेप्टर से पावर दे सकते आर्डिनो को, क्योंकि आर्डिनो को पावर लगेगा एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। अभी हम ऊपर वाले स्लॉट्स के ऊपर देखेंगे। ऊपर वाले स्लॉट्स के ऊपर ये डिजिटल पिंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डिजिटल पिंस में हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल पिंस में हम रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। मीन्स अगर मैंने कोड अपलोड किया और रिले मॉड्यूल आउटपुट में लगा दिया, और उसके आउटपुट में अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए, अगर मुझे होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाना है, ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्पोनेंट मैं इजिली प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है। तो डिजिटल पिंस के जस्ट नीचे मीन्स हमें देखना है RX एंड TX पिन है। मीन्स RX मीन्स रिसीवर, TX मीन्स ट्रांसमीटर। उसके ऊपर 2 से 13 तक जो पिंस आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो दिख रहा है आपको, वो है डिजिटल पिंस, ठीक है। ये हमारा पिंस के बारे में हो गया। अब नीचे आते हैं, ये जो नीचे आपको पिंस दिख रहे हैं, ये है एनालॉग पिंस। एनालॉग पिंस में हम क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं, मीन्स एनालॉग पिंस में हम सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर, लाइक PII सेंसर, IR सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, गैस सेंसर, रेन सेंसर, टाइप्स ऑफ सेंसर हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया एनालॉग पिंस के बारे में। अब उसके ऊपर आते हैं, ये पावर पिंस है, इसके थ्रू हम ब्लूटूथ को या फिर रिले को पावर दे सकते हैं, ठीक है। और आर्डिनो में एक आपको IC दिख रहा होगा, एटमेगा 328P IC का कोड है, नंबर है। इस IC में ही प्रोग्राम स्टोर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा और एक फैक्ट आर्डिनो ओनो के बारे में। अगर समझो मैंने
कोड अपलोड करने के टाइम हम यूएसबी केबल यूज़ करते हैं, उस टाइम आर्डिनो के अंदर पावर आ जाता है। और एट ए टाइम मैंने एडेप्टर भी कनेक्ट किया, मीन्स दो साइड से अगर पावर जा रहा है तो हमारा आर्डिनो क्या होगा, आपको लगेगा बर्नआउट हो जाएगा, हीटअप करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल ऑसिलेटर लगे हुए हैं। वो क्या करेगा, आर्डिनो को 5 वोल्ट चाहिए तो वो आर्डिनो को 5 वोल्ट ही प्रोवाइड कराएगा, लाइक ए रजिस्टर जैसा काम करेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये देखेंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और उसके थ्रू हम आर्डिनो कैसे कनेक्ट करके कोड अपलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और एक चीज़, मेरे फेसबुक ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए आकाश टेक, और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कीजिए akashtech.17। आपको प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स वहाँ पे मिलते जाएंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स के पोस्ट में आप वहाँ पे करते रहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, एक फैमिली मेम्बर बनिए आकाश टेक के। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर 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 लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, एंड फाइनली दिस वॉज आकाश शेरके साइनिंग ऑफ।